प्लान किए थे काठमांडू का, हम जा रहे हैं, हमारे साथ एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर हमें ये बता रहे हैं। ब्रेक लिए थे क्या निखिल, कैसा फील हो रहा है? फील अच्छा हो रहा है, जिस चीज को खोजना है तो मिला नहीं है। क्या खोज रहे थे भाई? ये भी है एड्रेस। इंटरनेशनल राइड दिल्ली वाला सब बोलता है ना, दिल्ली वाला इंटरनेशनल राइड। तो करीब 12 बज रहा है और अभी फिलहाल ललन सिंह ढाबा के पास है हम लोग। प्रियांशु भाई है, निखिल है, मिहिर है। लो अभी जस्ट तुरंत तुरंत एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ भाई अभी बादशाह हो, बादशाह बजा दो भाई। बात करें तो हम लोग पहुँच गए हैं नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे, अभी फिलहाल है भिट्टामूर पे। तो आपको बता दें कि ये है भिट्टामूर बॉर्डर और ये खुलता है सुबह के 6 बजे। लोग बॉर्डर पे हैं, अभी फिलहाल एंट्री कराए हैं, बस गाड़ी नंबर लिया है, लाइसेंस नंबर लिया है, नाम लिया है, कितने नंबर ऑफ लोग है वो लिया है। तो ये बॉर्डर है, आगे चलते हैं, भंसार कटाते हैं। सो वेलकम टू नेपाल। तो हम लोग इंडिया से आ गए हैं नेपाल में, थोड़ा दूर नेटवर्क रहेगा, फिर इसके बाद तो नेटवर्क भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक एनसिल का सिम भी लेना है, भंसार ऑफिस यहीं लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे भंसार हम लोगों को कटाना है। वैसे वो बोल रहा था कि कार का अब पर डे का 600 रुपया चार्ज है, पहले से कुछ कुछ चेंजेस हुआ है, तो चल के देखते हैं आगे भी। बहुत सारा भंसार ऑफिस, अभी हम लोग ये भंसार ऑफिस पे आए थे यहाँ इंक्वायरी करने, ये भंसार ऑफिस है। और अभी हम लोग का गाड़ी जो है ना वो बाहर पार्क है, यहाँ अपना गाड़ी इधर पार्क है, वो लोग इधर है, तो इंक्वायरी करने आए थे। बेसिकली ये भंसार ऑफिस है, हमारा परमिट है नेपाल जाने का, नेपाल जाने का। हाँ भाई, और बता दें कि अगर आप विराटनगर से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि रक्सौल में बहुत जल्दी खुल जाता है, यहाँ बहुत लेट होता है। तो हम लोग को एक ये इशू फेस करने को मिला। और भंसार का जो चार्ज है वो नेपाली करेंसी में 1800 रुपया 3 दिन का। तो हम लोग 3 दिन का भंसार लिया, सैटरडे संडे और मंडे। तो चलते हैं कुछ करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, करेंसी वैल्यू क्या है, और उसके बाद कुछ सिम लेते हैं, फिर निकलते हैं सीधे जनकपुर की तरफ। नेपाल में एंट्री किए हैं, बारिश जो है वो जबरदस्त वेलकम किया है, और अभी आगे का मौसम कैसा होगा तो आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। वैसे बता दें कि हम फिलहाल पहुंच गए हैं जनकपुर, तो जनकपुर स्टॉपेज नहीं लेने वाले हैं और सीधा निकलने वाले हैं पशुपतिनाथ काठमांडू की तरफ, सिंधौली घाटी होते हुए। तो ये जो गेट है ना, ये जनकपुर का गेट है, और इधर ही से हम लोग राइट हैंड साइड टर्न लेंगे तो अंदर में माँ जानकी का मंदिर है। काफी अच्छा है, क्या भाई मजा आ रहा है, ऐसे मजा लेगा सोसो के, फील कर क्या भैया, फील कर रहे हैं हमारे निखिल भाई, क्या फील कर रहे हैं भाई, घूमर 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 वाला गाना बजाना होगा क्या? अगर आपको सुंदर सा घूमने का इच्छा है तो आप ये आ सकते हैं सिंधौली घाटी। या दोस्तों, हम लोग सिंधौली रोड होते हुए काठमांडू जा रहे हैं, और ये यहाँ जनकपुर से जो काठमांडू जाने के बीच में जो सिंधौली घाटी आता है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत बहुत सुंदर है, प्रॉपर पूरा ग्रीनरी, और रोड भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर हम लोग हेटौडा हो के, रक्सौल बॉर्डर हो के, पोखरा या काठमांडू जाते हैं, शॉर्टकट रूट हो या चितवन होते हुए, वो सबसे फार बेटर रोडवे कनेक्टिविटी ये है जनकपुर टू काठमांडू। क्योंकि हम इससे पहले भी एक बार इस पर हम ट्रैवल कर चुके हैं काठमांडू टू पटना, बट उस टाइम क्या था ना, पोलो से थे और रात में लौट रहे थे, तो विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं था और जो सीनरी जो व्यू है ये नहीं दिखा पा रहे थे। तो एक्चुअल में आज के इस ब्लॉग में ना आपको ये दिखा पा रहे हैं कि क्या सुंदर नज़ारा है। मतलब इस टाइप से रोड पर ना गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ से निखिल सोया हुआ है, प्रियांशु सोया हुआ है, मिहिर सोया हुआ है, गोलू सोया हुआ है, सब लोग सोया हुआ है, और हम कंटिन्यूस जो टूर ड्राइव कर रहे हैं, 1 घंटे से चला रहे हैं, 4 घंटे का डिस्टेंस अभी यहाँ से बचा है, तो थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। काफ़ी बढ़िया लोकेशन पर रुके हैं, तो कुछ कुछ अगर ये लोग खाते हैं, कुछ अगर स्नैक्स। तो मौसम है सुहाना और साथ में चाय पी रहे हैं, वैसे देख रहे हैं कुछ कुछ फोटो शूट चल रहा है। वाह, तो निखिल आज फोटोग्राफर भी बन रहा है क्या, बहुत दिन बाद लगता है कैमरा पकड़े हो। उससे गाड़ी को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा और हम लोग को भी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। 3 घंटे के अप्रॉक्स का डिस्टेंस है अभी यहाँ से काठमांडू, तो चलते हैं टूवर्ड्स द काठमांडू, चाय ख़त्म करके। तो हम लोग छोटा सा टी ब्रेक लिए थे, क्या निखिल कैसा फील हो रहा है?
फील अच्छा हो रहा है, जिस चीज को खोजना है तो मिला नहीं है। क्या खोज रहे थे भाई? ये भी है। निकालो भाई, चल रहे हैं अभी तो नेपाल में ही है। उसी ले आया था। ये भी भाई आया दो थी। ओ, तुम दोनों भाई एक साथ आए हो, है ना? तो इसका एड्रेस कहाँ है? पोखरा की काठमांडू? यही तो नहीं पता, पूरा नेपाल ढूंढेंगे। कमेंट सेक्शन में पूछो तो भाई, कोई बता दो एड्रेस, है ना? इसका भी बीमारी खुला नहीं है, 2 मीटर की है। तो भैया हम लोग कितनी मदद कर रहे हैं कि मेरा 5 ml ब्लड लेंगे। बस मेरा ब्लड टेस्ट क्या क्या करेगा भैया? उसे ब्लड ग्रुप करेंगे पहले आपका, उसका थायराइड प्रोफाइल करेंगे, फिर लिपिड प्रोफाइल करेंगे। चलिए आप लोग जैसे कि आप समझ रहे हैं। और इसका क्या क्या करेगा भैया? इनका भी थायराइड प्रोफाइल होगा, लिपिड प्रोफाइल होगा इनका भी। आपको कैसे लगा कि बीमार है? क्या आपको कैसे लगा कि बीमार है? तो आप लोग सुन रहे हैं कि कैसे होता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। काठमांडू आए थे 5, जाएंगे 4। कोई नहीं, सह लेंगे। R15 बढ़िया है, पूरा राइडिंग केस के साथ अच्छा लग रहा है। तो जैसे काठमांडू पहुंचने ही वाले हैं कि हम लोग को ट्रैफिक जो है वो फेस करने को मिल रहा है। देख रहे हैं लंबा ट्रैफिक है भाई, लाइन में लगा हुआ है सब लोग। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि सब लोग लाइन में पीछे भी। भाई ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक फेस करने को मिल रहा है, दिखाते हैं बैक कैमरा से। वेट करना है बस भाई, गाड़ी बंद कर दी। बहुत लंबा देर तक ट्रैफिक जाम में फंस गया, बहुत देर से फंसे हुए। क्या बोल रहे? सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ, काठमांडू फाइनली रीच कर गए हैं। मिहिर का फोन मिहिर का फोन नहीं है। तो सारा लगेज निकालते हैं अभी, यहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं होटल केदारनाथ, तो यहीं हम लोग चेक इन करते हैं, चलते हैं रूम में, फिर इस ब्लॉग को एंड किया जाएगा। बहुत सारा डिटेल्स शेयर करेंगे और भाई लोग का कैसा रिव्यू है वो भी शेयर करेंगे। क्या थक तो गए हो गए भाई? काफ़ी थक गए बहुत ना।